अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ने पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर वो काबुल में रुकते तो तालिबान उनका कत्ल कर देता। अब 4 दिन के बाद दुनिया के सामने आए हैं अफगानिस्तान से भगौड़े राष्ट्रपति गनी। उन्होंने कहा कि मैं पैसे लेकर नहीं भागा, अगर मुल्क नहीं छोड़ता तो तालिबानी मुझे फांसी पर लटका देते। अगर मैं अफगानिस्तान में रहता तो देश के लोग एक और राष्ट्रपति को फंदे पर लटकते हुए देखते। मैं देश से किसी भी तरह का कैश लेकर नहीं निकला, मैं अपने कपड़े ही साथ लाया हूँ। अपनी लाइब्रेरी साथ लाना चाहता था लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। हमारे सुरक्षा बल नाकाम रहे, देश के बड़े नेता और इंटरनेशनल कम्युनिटी नाकाम रही। मैं अपने मुल्क लौटना चाहता हूँ और इसके लिए हामिद करजई और अब्दुल्ला के संपर्क में हूँ। उन्होंने आगे बताया स्थिति। रूसी दूतावास में मंगलवार को एक बयान में उन्होंने बताया, काबुल स्थित रूसी दूतावास ने मंगलवार को एक बयान में ये आरोप लगाया था कि गनी 4 कारों और 1 हेलीकॉप्टर में कैश लेकर भागे हैं। जो कैश इसमें नहीं समा सका वो उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़ गए। तालिबान ने पहली बार काबुल के अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब मोहम्मद नजीबुल्लाह राष्ट्रपति थे। तालिबान ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया लेकिन चंद घंटे बाद ही काबुल के एक चौराहे पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया और शव को बुरी तरह घसीटा गया। गनी और उनकी सरकार पाकिस्तान के सख्त खिलाफ थी। अब पाकिस्तान समर्थक कुछ लोग उन्हें गद्दार और भगोड़ा बताकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा चला रहे हैं। तालिबान हामिद करजई और अब्दुल्ला के लगातार संपर्क में हैं। ये दोनों ही अशरफ गनी के करीबी माने जाते हैं, लिहाजा गनी अपनी छवि को बिगाड़ने की कोशिशों को नाकाम करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।